हेलो फ्रेंड, मैं अनिता विश्वकर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैंडविच। देखिए, मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने। ये मैंने आलू ली है, ये 1 केजी आलू है। इसको मैं ढक्कन लगा कर बॉयल कर थोड़ा देर के लिए। इसको मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। आलू अपना चढ़ा दिए हैं गैस पे। तब तक हम सारे सामान की तैयारी कर लेते हैं, कैसे बनाने हैं हमको सैंडविच। ये देखिए, बस हमारा आलू जो रहा है, गैस को तेज कर लेते हैं ताकि हमारा आलू फटाफट हो जाए। हमारा आलू रेडी हो रहा है फ्रेंड। तब तक हम सारे सामान को तैयार कर लेते हैं जो हमको सैंडविच में डालने हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं। प्याज को मैं छील लेती हूँ दोनों। ये देखिए फ्रेंड, 2 प्याज है, धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक है। उसको हम बारीक कट कर लेते हैं। सुबह के नाश्ते में आपको जल्दी बहुत बन जाती है फटाफट। बच्चों को टिफिन देना हो तो भी आप जल्दी से बना सकते हैं इसको फटाफट, और बहुत टेस्टी लगती है बनाने में और बहुत जल्दी बनती है। मैंने 2 प्याज को कट कर लिया है। डाले हैं, इसको मैं बारीक कट कर लूंगी। थोड़ा सा अदरक को भी मैं कट कर ले दूंगी। और धनिया पत्ती को मैं लास्ट में डालूंगी। इसको भी कट करके रख लेती हूँ फटाफट से। धनिया पत्ती भी कर ली है। मैं आलू को खोल लेती हूँ। आलू हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, मेरे सारे आलू हो गए। इसको मैं किसी बर्तन में ढक कर लेती हूँ। देखिए, आलू हो गई हमारी। फटाफट इसको हम छील लेते हैं। देखिए, आलू को मैं जल्दी जल्दी से साफ कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरे आलू हो गए और मैं थोड़े आलू इसमें छोड़ दी हूँ जो मैं बाद में करूँगी। अभी टाइम नहीं है, सुबह का नाश्ता जल्दी जल्दी बनाना है। मैं आलू को चॉप कर देती हूँ फटाफट। गरम है इसीलिए मैं इसी की सहायता से कर रही हूँ। देखिए हमारे आलू, और हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तब तक मैं इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए।
तेल डालती हूँ कढ़ाई में। देखिए फ्रेंड, हमारे कढ़ाई ये गर्म हो गया है, इसमें मैं डालती हूँ तेल। मैं सरसों तेल डाली हूँ, इसमें डालूंगी थोड़ी सी जीरा, और ये अदरक जो मैंने काट के रखा था, अदरक को आप कूट भी सकते हैं। प्याज, हरी मिर्च सारे मैंने इसमें डाल दिए। और इस तरफ मैंने गैस पे चाय चढ़ा रखी है, वही पर सैंडविच मेरे बन रहे हैं। हमारे प्याज और अदरक और मिर्ची सब लाल हो गए हैं, ब्राउन। इसमें हम डालेंगे एक काली मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाले, हल्की सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। मसालों को तेल में मैं भून ली हूँ, मसाले में तेल में ही भुना जाते हैं, ऐसे तेल गर्म होते हैं भुन जाते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी आलू, गैस को तेज कर देती हूँ, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। काली मिर्च, जीरा पाउडर डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसको मैं कुछ डाल देती हूँ। जैसा आपको पसंद हो आप गर्म मसाले भी डाल सकते हैं। मैं डालती हूँ धनिया पत्ती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ी सी आलू को बॉयल करने में समय लगता है, बाकी सब फटाफट हो जाता है। ये देखिए है हमारा आलू रेडी हो गया, मसाला सैंडविच का मसाला हमारा रेडी बन हो गया। कढ़ाई को हम उतार देते हैं। देखिए हमारा चाय बन रहा है, इसमें चाय भी मेरा रेडी है। ये सैंडविच स्टैंड रख देती हूँ गर्म होने के लिए गैस पे, इस साइड, इस तरफ चाय मेरी बन रही है। चाय में थोड़ी अदरक इलायची डाल देती हूँ। ये देखिए इलायची, लौंग, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा था चाय में डालने से। इसको मैं बारीक कट करके, देखिए मैंने बारीक कूट ली है, इसको मैं डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मक्खन मलाई ब्रेड लिए हैं, इसमें मैं इस पे आप चीज सॉस लगा सकते हैं, हरी चटनी, लेकिन अभी मैं बच्चों के लिए सादा ही बना रही हूँ।
ये देखिए इसमें इसमें डालती हूँ घी। थोड़ी सी साइड में घी लगा देते हैं। ऐसे ऊपर में भी घी, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। मैं इस पर देसी घी लगा रही हूँ। ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। देखिए मेरी चाय भी रेडी, मेरा नाश्ता भी रेडी। और हाँ एक चीज़ और फ्रेंड, इसको आप तवा पे भी बना सकते हैं। अभी मैं गैस को इस पे रख देती हूँ, इसमें चढ़ाती हूँ तवा। अब दोनों में फटाफट बना सकते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी घी लगा देती हूँ। इससे आपको जल्दी हो जाती है फटाफट दोनों में बनाने से। ये देखिए इस पर भी आप ऐसे बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ सेक लेती हूँ। घी लगा लेती हूँ, इसे कुरकुरा लगेगा खाने में। दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिए ताकि ये जले ना। इसे भी हम बीच में देखेंगे, काफी अच्छा बन रहा है, खुशबू भी आ रही है घी की। ब्राउन कलर आया है, इसको बंद करके इसको हम नाई की सहायता से कट कर लेते हैं। तो क्रंची बनी है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम कुरकुरी। ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया। ये गर्मा गर्म चाय, ये देखिए हमारा चाय नाश्ता रेडी। किसको किसको पसंद आई है प्लीज़ शेयर और लाइक करिए।
और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, और कैसा लगा बनाने में आपको। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करिए फ्रेंड। और आप चाय और स्नैक्स के मजे लीजिए गर्मा गर्म। बाय फ्रेंड।